वेलकम टू यूनिगर्ब स्कूल। इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे प्रोफाइल बैक लिंक कैसे बनाते हैं और प्रोफाइल बैक लिंक क्या है। सबसे पहले आते हैं प्रोफाइल बैक लिंक क्या है। अगर आप लोग किसी भी वेबसाइट के अंदर रजिस्ट्रेशन करते हो तो उस वेबसाइट के अंदर एक वेबसाइट का लिंक देने का ऑप्शन होता है, ठीक है। वो जो लिंक है वो अगर आप लोग चाहो तो आपका जो वेबसाइट है उसका लिंक पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इसी को प्रोफाइल बैक लिंक कहते हैं। तो बहुत सारा साइट है तो इसमें प्रोफाइल बैक लिंक कर सकते हो आप लोग। गूगल के अंदर अगर आप लोग सर्च करोगे प्रोफाइल बैक लिंक लिस्ट लिखकर तो बहुत सारा साइट आ जाएगा जिसमें आप लोग वो लिस्ट बाहर करके आप लोग किसी भी वेबसाइट के अंदर जाकर वहाँ पर प्रोफाइल बैक लिंक कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रैक्टिकली एक वेबसाइट को ओपन करेंगे, प्रोफाइल बैक लिंक कैसे करते हैं वो आपको देखेंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर देख सकते हो ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए। अभी हम लोग एक वेबसाइट को ओपन किया है फोरशेयर, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग प्रोफाइल बैक लिंक करेंगे और आपको देखेंगे प्रोफाइल बैक लिंक कैसे करते हैं। अगर आप लोग प्रोफाइल बैक लिंक का वेबसाइट की लिस्ट लेना चाहते हो तो गूगल के अंदर सर्च कीजिए या पर प्रोफाइल बैक लिंक वेबसाइट लिस्ट वेबसाइट ओके प्रोफाइल बैक लिंक वेबसाइट यहाँ पर लिख कर अगर सर्च करेंगे तो बहुत सारा वेबसाइट आएगा जिसमें प्रोफाइल बैक लिंक का साइट की लिस्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग जाएंगे यहाँ पर जैसे तो बहुत सारा प्रोफाइल बैक लिंक का साइट दिया हुआ है जिसमें आप लोग आपका जो प्रोफाइल बैक लिंक है वो कर सकते हो। तो अभी हम लोग फोरशेयर नाम से एक प्रोफाइल बैक लिंक करने का साइट ओपन किया है। ये बेसिकली प्रोफाइल बैक लिंक का साइट नहीं है, ये सिंपली यहाँ पर फाइल शेयरिंग वेबसाइट है। हम लोग इसके एसईओ में नाम देते हैं प्रोफाइल बैक लिंक, जो बैक लिंक करते हैं वो इसको प्रोफाइल बैक लिंक का नाम देते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये प्रोफाइल बैक लिंक वेबसाइट है तो इसलिए हम लोग इसको एसईओ में बोलते हैं प्रोफाइल बैक लिंक और ये मूलतः तो फाइल शेयरिंग वेबसाइट है, ठीक है। तो चलिए इस वेबसाइट के अंदर रजिस्ट्रेशन करके हम लोग दिखाते हैं कैसे प्रोफाइल बैक लिंक करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन बटन में क्लिक कर देना और यहाँ पर ईमेल एड्रेस से हम लोग करेंगे और यहाँ पर फुल नेम हम लोग डाल देते हैं। ओके यहाँ पर मैंने ईमेल एड्रेस डाल दिया है, उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड डालते हैं। सिंपल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है इसका। साइन अप बटन में क्लिक कर देते हैं। आप लोग किसी भी वेबसाइट के अंदर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये हम लोग रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। यहाँ पर देख सकते हो ईमेल एड्रेस को भी वेरीफाई करना पड़ेगा तो हम लोग इसको वेरीफाई कर लेते हैं। हमारा जो ईमेल है इसको वेरीफाई कर लेते हैं, यहाँ से जाकर ये रहा फोरशेयर, इसको वेरीफाई में क्लिक करते हैं। ओके वेरीफाई हो चुका है हमारा और ये हमारा प्रोफाइल है, ठीक है। तो इसके अंदर फ्री अकाउंट है तो हम लोग अगर जाएंगे सेटिंग ऑप्शन के अंदर तो हम लोग सेटिंग ऑप्शन आ जाएंगे और यहाँ पर हमारा यूज़र नेम हम लोग सेट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसको सेट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट नेम लास्ट नेम यही है, यहाँ पर लास्ट नेम इसको देते हैं, इसको कट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद ईमेल एड्रेस है, अकाउंट टाइप फ्री ओके। उसके बाद यहाँ पर ट्रैफिक वगैरह भी आएगा और यहाँ पर लैंग्वेज वगैरह और यहाँ पर एडिट माई फाइल टू सर्च, ठीक है। तो यहाँ पर टिक मार्क देना और यहाँ पर न्यूज़लेटर वगैरह यहाँ पर ओके यहाँ पर सेव में क्लिक कर देना, ठीक है। तो इसको हम लोग सेव में क्लिक कर दिया है और यहाँ पर ये सेव हो चुका है, आप लोग यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो। तो अभी हम लोग जाते हैं हमारा मेन काम में, हम लोग हमारा जो वेबसाइट की लिंक है वो ऐड करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर डिज़ाइन सेक्शन में जाते हैं ओके। डिज़ाइन आप लोग कर सकते हो, सोशल नेटवर्क यहाँ पर आपका फेसबुक ट्विटर का लिंक ऐड कर सकते हो। यहाँ पर एप्लीकेशन के अंदर जाते हो तो इस तरह का है। तो प्रोफाइल के अंदर अगर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पर हमारा प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करने का ऑप्शन है। तो हम लोग यहाँ पर एक प्रोफाइल पिक्चर में भी नहीं है मेरे पास अभी के लिए, तो इसको हम लोग बाद में ऐड करेंगे। प्रोफाइल पिक्चर आप लोग ऐड कर लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर आपका वेबसाइट के एड्रेस देना है, ठीक है। तो यही मेन चीज़ें हैं जो कि हम लोग यहाँ पर दिए हैं। तो आप लोग भी आपका जो प्रोफाइल बैक लिंक का वेबसाइट है जिस वेबसाइट के अंदर करना चाहते हो उस वेबसाइट के लिंक दे दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपका जो बायो है वो यहाँ पर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग डालते हैं एक बायो, यहाँ पर डालना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं और यहाँ पर एक बायो लिखा हुआ है तो इसको हम लोग ऐड करेंगे। ये रहा, इसको हम लोग कॉपी करके यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बायोग्राफी में ये डाल दिया है। उसके बाद प्रोफाइल इज़ विजिबल, इसको मस्ट विजिबली रखना। शो माई प्रोफाइल मस्ट प्रोफाइल इसको ऐड कर देना, शो माई फोल्डर दोनों तीनों को ऐड कर देना, ठीक है। उसके बाद सेव में क्लिक कर देना तो यहाँ पर सेटिंग सक्सेसफुली सेव हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो सेटिंग है वो सेव हो चुका है। अभी हम लोग यहाँ पर व्यू प्रोफाइल पेज के अंदर अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा प्रोफाइल है जिसमें हमारा वेबसाइट के लिंक डायरेक्ट दिया हुआ है और हमारा डिटेल्स भी यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर राइट बटन यहाँ पर इंस्पेक्ट करते हैं तो ये नो फॉलो बैक लिंक है, यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा बैक लिंक मिल चुका है, ठीक है। और इस वेबसाइट का ट्रैफिक अगर चेक करना चाहते हो तो यहाँ पर चेक करो इसका ट्रैफिक। ओके, इस तरह का इसका ट्रैफिक है, यहाँ पर जैसे तो 4.1 मिलियन इसका ट्रैफिक है। और इसका जो DAPA है वो हम लोग चेक करके दे देते हैं आपको, इसका DAPA है वो हम लोग चेक करते हैं ताकि इस वेबसाइट के अंदर आप लोग भी बैकलिंक बनाओ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग चेक कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर देख सकते हो 94 इसका DA है और यहाँ पर 78 इसका PA है, ठीक है। 90 years old ये वेबसाइट है, यानी कि बहुत ही अच्छा खासा और ट्रस्टेड वेबसाइट है। इसके अंदर हम लोगों को बैकलिंक मिल चुका है, ठीक है। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग प्रोफाइल बैकलिंक कर सकते हो। अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारा जो यूनिक यूनिवर्स के यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए। थैंक